Beast man. Birthday boy. Birthday boy. Kamal Sidhu, yeah. Okay, hello everybody. Firstly, मैं इस बार हम वेट कर रहे थे प्रेस का और मीडिया का जब तक एक साथ सब लोग नहीं आते, हम टाइम पे आ गए थे भाई. तो ये जरूर जाएगा कि हम वेट कर रहे थे आपके मीडिया का. बट नो रियली ऑनेस्टली इट्स ऑलवेज अ गिव एंड टेक. कभी आप लोग वेट करते हैं हमारे लिए, कभी हम वेट करते हैं. बट यू नो एक फैमिली रिलेशन होता है मीडिया के साथ स्पेशली. और बस हम दो दिन दूर हैं हमारी फिल्म के रिलीज़ के लिए. और जो जिस कश्ती में हम बैठे थे, ओके, जद्दोजहद से जो साहिल से टकराई और कश्ती साहिल से टकरा कर वापस आई, लेकिन इवेंचुअली साहिल पर आ गई और हम सब लोग पार हो गए. यही कहना चाहूँगा. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस थ्रू आउट ये जितने भी मंथ्स इयर्स आप लोग हमारे साथ थे. या द बिगिनिंग ऑफ आवर एंट्री इन द इंडस्ट्री अप टिल नाउ द मीडिया हैज बीन द बिगेस्ट सपोर्ट एंड इवन सम फ्रेंड्स हैव कम एंड गॉन बट द मीडिया. आई नो सम फेसेस. मैं मतलब अभी तो याद है, यही कह रहा था अभी कि ये दो अभी वो जूम के लिए काम करता पिछले आई थिंक 15 साल पहले. और हम यू नो वी स्टार्टेड आवर करियर एंड देयर आर सम फेसेस देयर आर स्टिल द सेम यू नो. सो रियली इट्स नाइस टू सी. नाइस टू सी एवरीवन. या ओके. तो सबसे पहले कांग्रेचुलेशन हमें तुमसे प्यार कितना एंड रियली आपको हमसे प्यार कितना. एंड आवर ट्रेलर को हमने देखा 2.7 मिलियन समथिंग क्रॉस कर चुका है एंड 3 दिन बाकी रह गए फिल्म को रिलीज होने. तो हम बताएं कि क्या कुछ फीलिंग है अरे सबकी अलग अलग फीलिंग्स है. मोहन जी हमारे डायरेक्टर साहब जो है यहाँ पर सबसे पहले ये इजहार करेंगे. बेसिकली बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं मीडिया के सारे जो एस्पेक्ट्स हैं उनका मैं हिस्सा रहा हूँ. और मुझे ऐसे मौके मिले जा रहे हैं जहाँ पर मैं सब तरफ ट्रैवल कर पाऊँ, चाहे वो एंकरिंग हो चाहे वो एक्टिंग हो. लेकिन आपको बता दूँ कि सिल्वर स्क्रीन का जो मज़ा है, जो नशा है, उससे बड़ा कोई नशा नहीं है लाइफ. तो ये फिल्म जो है बहुत प्यार से बनी है. इस फिल्म के अंदर बहुत बहुत मेहनत की गई है. एक बहुत ही प्यारी कहानी है जिसमें प्यार है, जिसमें पैशन है, जिसमें ऑब्सेशन है. ये हमारे डायरेक्टर की सोच है. जैसे इन्होंने इस कहानी को बांधा है इन कैरेक्टर्स के साथ. मेरे ख्याल से यू नो क्रेडिट दिया जाएगा केवी को, खासतौर से बर्थडे बॉय को, जी को, बोरा जी को, जिनका आज बर्थडे है. आज पापा की बर्थडे भी है बस एक दिन पहले रिलीज के. सो आई थिंक ये क्रेडिट इनको दिया जाएगा कि अगर कहानी आपकी अच्छी हो, अगर आपकी कास्ट अच्छी हो, अगर आपकी सोच अच्छी हो तो मज़ा आता है. तो मेरे लिए पर्सनली आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि ये फिल्म कल रिलीज़ हो रही है. एक बहुत ही अच्छी जर्नी हुई है. केवी बता रहा था कि जद्दोजहद करनी पड़ती है, बारिश हो रही है और अच्छा है बारिश हो रही है. वो लोगों की बारिश हो जाए सिनेमा हॉल के अंदर तो खुशी है. बहुत खुश हूँ मैं. और नर्वस तो मैं हमेशा फील करता हूँ, चाहे मैं एंकरिंग कर रहा हूँ, चाहे मैं लाइव टीवी कर रहा हूँ, चाहे मैं एक्टिंग कर रहा हूँ. जब कैमरा ऑन होता है तो भाई मुझे लगता है कि नर्वस होना अच्छी बात है. अगर आप नर्वस होते हैं तो आप और अच्छी परफॉर्मेंस होते हैं. वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस. सर मैं तो मुझे 10 पे 10 नहीं डिस्टर्ब करेगा क्या. आवाज आएगा क्या? नहीं वहाँ तो वहाँ चलो बोलो. देखिए लोगों को दोनों का मजा लेने दो. लोग फिल्म भी देखें, लोग मैच भी देखें, लोग इंडिया को भी सपोर्ट करें, लोग हमारी फिल्म को भी सपोर्ट करें. अच्छा अच्छा. पापा ने अभी जस्ट कहा है कि फ्राइडे के बाद सैटरडे को हम इंग्लैंड चल रहे हैं जी. जो फाइनल होगा ना सेमीफाइनल उसमें हम लोग प्रमोट करेंगे हमारी फिल्म.
क्या बात है, क्या बात है, बर्थडे के दिन पापा ने गिफ्ट दे दिया हम सबको। हाँ थैंक यू थैंक यू। तो हम सेमीफाइनल में आप लोग हमें देखेंगे मैदान में, ये कहते हुए हमें तुमसे प्यार कितना धोनी, हमें तुमसे प्यार कितना बुमराह, हमें तुमसे प्यार कितना कोहली। यार इंस्पिरेशन लेना एक अलग बात है और कंपेयर करना बहुत अलग बात है। सीरियसली मैं नहीं चाहूँगा कि ऐसे कोई कंपैरिजन हो, बिकॉज यार जिस तरह उन्होंने प्ले किया वो किरदार, एक तो वैसे ही मतलब प्रेशर में आ जाता है कि अब देखते हैं अभी इसने ऐसा किया कि नहीं, तो कंपैरिजन ना हो तो बेहतर है। बट यस वो एक ऐसा आइकॉनिक रोल है जो आई थिंक कोई भी टच नहीं कर सकता, और उन्हें वहीं पर ऐसे ही मतलब एक यू नो एक ट्रॉफी की तरह वहाँ पर रख देना चाहिए यू नो वो उस रोल को। या yeah, वो वैसा वाला नहीं कर सकते, बट मैं अपनी तरफ से जितना मैं दे सकता हूँ, जितना मैंने इसमें मेहनत डाली है, जितना निचोड़ लिया इसने मुझे, हाँ मेरे डायरेक्टर ने उतना मैंने दे दिया। आई थिंक अभी भी और बचा है, बोला कि और कास्ट तो है ना थोड़ा ऐसा करना, और कितना करूँ। ऑब्सेशन जो ये थॉट है, फीलिंग है, आप सिर्फ इसको एक फिल्म से देख रहे हैं। मेरे ख्याल से ये बहुत सारी फिल्में हैं जहाँ पर ऑब्सेसिव लोग सामने होकर आए हैं, चाहे वो प्यार के लिए हो, चाहे वो कुछ और चीजों के लिए हो, पैसे के लिए हो, तो ऑब्सेशन को लेकर है ये। सिर्फ आप किरदार में वो देखें, सिमिलैरिटी ना देखें मेरे ख्याल से, क्योंकि कहानी जो है वो बिल्कुल अलग है, ऐसी कोई सिमिलैरिटी नहीं है कहानी के अंदर। ये कहानी पहाड़ों में शूट हुई है, इसमें कई सारे और इमोशंस भी हैं, प्यार है, सिंपल कहानी है। तो हालांकि लग अगर आपको लग रहा है लग वैसे रहे हैं, तो इनके लिए कॉम्प्लीमेंट है, बिकॉज शाहरुख खान जी से कंपैरिजन है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। आई थिंक जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि फिल्म कहानी पूरी अलग है। ही शुड हैव रिटन द प्रेस रिलीज एक्चुअली मैन, इट्स सो गुड मैन। करण जी आपने टीवी सीरियल सौभाग्यवती भव में भी कुछ ऐसा ही किरदार निभाया था, ऐसा ट्रेलर से देख के लग रहा है, तो आपने रिकॉल किया वो सारी चीजें? नहीं, असली जिंदगी में ऐसे ही। अरे पागल है, असली जिंदगी में उल्टा है, पैदाइशी प्रॉब्लम है कि वो भी काम करते हैं। नहीं वो मुझे इनफैक्ट बोलते हैं कि घर में भी तुम ऐसे ही करते हो बीवी के साथ या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। मेरा मतलब है कि मेरा मतलब वो नहीं था। वापस आते करण जी, नहीं बिल्कुल, अगर इसमें कुछ सिमिलैरिटी है उस रोल से, वो खाली स्टिक है, वो स्टिक मेरी एक लकी चार्म रही है। ओके, वो चाहे सौभाग्यवती में भव, सौभाग्यवती भव में हो, चाहे नागिन में हो, चाहे कसौटी जिंदगी में हो, ये स्टिक मैंने सब जगह यूज़ किया, पर मुझे पता नहीं क्यों मेरी लकी स्टिक है यू नो, तो शायद इसीलिए आपको लग रहा है कि वो स्टिक बहुत पॉपुलर हो गई थी सौभाग्यवती भव में। और वो रोल, ये रोल कुछ भी मतलब इतना भी सिमिलर नहीं है, वो एक पति था, ये एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप में फंसा हुआ है बेचारा। सीरियसली आई थिंक एज एन एक्टर ये चैलेंज होता है कि एक ऐसे टाइप का कैरेक्टर को लेकर कैसे अलग हम दिखाएं। सो अगर सेम किया होता है देन पीपल से यू फेल्ड एज एन एक्टर, आपने वो ही किया क्योंकि वो सक्सेसफुल था। सो यू हैव टू टेक दिस कैरेक्टर एंड शो इट डिफरेंटली, और एक्सपेक्टेशन भी बहुत है केवी से, क्योंकि लोग जानते हैं कि ये रोल्स ये बहुत अच्छे निभाते हैं अच्छी तरह से। सो ही हैज टू प्ले इट डिफरेंटली, सो देयर इज अ लॉट ऑन हिज शोल्डर्स। You know, that's what, if I still remember, Lalit Armeegi sir, भाई ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे, चाहे वो समीर हो, चाहे प्रिया हो, चाहे मैं हो, हम तीनों की ना एक छवि है कि हम ऐसे यू नो वी डिपिक्ट द काइंड ऑफ रोल्स वी डू और काइंड ऑफ वर्क वी डू, इससे एकदम अलग हटके लगते हैं। तो आप देखोगे आप चका चौंध हो जाओगे जिस तरह आप देखोगे हम तीन जिस तरह लग रहे हैं। आई एम रियली आई एम इन लव विद ऑल थ्री ऑफ अस। थैंक यू ब्रो। या सो आई एम बाय। और वो जो छड़ी की बात कर रहे हो, सब काफी सीरियस आदमी है, वो छड़ी जो एक्चुअली वो छड़ी पीजे की है, जिनसे वो हाथ में रखती है, पास में रखती है, इनको लाइन पे रखने के लाइन पे रखने के। वो छड़ी और छड़ी के अंदर एक चाकू भी है कि ज्यादा लाइन से बाहर किया गया नहीं, कि वो छड़ी एक्चुअली बोरो की है और कुछ नहीं छड़ी का। ओके करण जी, ये मूवी पहले रिलीज होने वाली थी, पोस्टपोन हो गई, कांसेप्ट में दो रिलीज चेंज हो चुकी है, कोई पर्टिकुलर रीजन इसके बारे में? पर्टिकुलर रीजन तो इंतजार का फल मीठा होता है। हाँ वो भी है। नहीं, दिस वॉज बेसिकली हमेशा ने रिलीज, बिकॉज ये फिल्म हमने प्रोड्यूस की है, पापा ने खुद डिस्ट्रीब्यूट की है, तो डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत टेक्निकलिटीज़ होती है कि टाइम पे कुछ ना वो उनके टिपिकल वर्ड्स होते हैं जैसे KDM DCP ये वो, शायद लोगों को ना समझ में आए, बट लकी डेट भी थी। हाँ, और एक वो होने में वो लकी डेट भी हो गई 5th July, जो हम एक्चुअली ओरिजिनली प्लान कर रहे थे कि 5th July को यूज़ करेंगे। पहले प्लानिंग यही था कि 5 को करेंगे। हाँ वो तो मैं प्रीपोन कर दिया ये सोचकर कि
यहाँ पर कोई फिल्म नहीं आ रही है, बट देन अगेन ड्यू टू टेक्निकल रीजंस फिल्म के फिल्म को लेकर वी हैड टू पुश इट बाय अ वीक। ओके 5th जुलाई को ये मूवी रिलीज हो रही है, आपकी डेब्यू और एक डेब्यूटेंट आर्टिस्ट जो है मलाल, जो मूवी से क्लैश हो रही है, उसके बारे में कुछ कहना है कि जो वो भी एक डेब्यूटेंट स्टार वहां पे डेब्यू होने जा रहा है। हां यही कहना चाहूंगा कि संजय लीला जी का प्रोडक्शन और पापा का प्रोडक्शन, संजय लीला जी की डायरेक्शन तो ललित की डायरेक्शन, संजय लीला जी की नए न्यू कमर्स जो ऐड कर रहे हैं हमारे लिए, तो हम तो चाहते हैं वो भी चले। हम चाहते हैं कि हम ये भी हम यू नो वी एज गुड एज हमने इतना काम किया है अपना 18 साल किया है, तो मैं यही कहना चाहूंगा विशिंग देम ऑल द बेस्ट। या दैट यू नो व्हाट एवरीबॉडी शुड डू वेल, एवरीबॉडी शुड यू नो हैव दोस बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस। पीपल कैन वॉच बोथ द मूवीज एंड चाहते हैं कोई भी बता सकते हैं फिल्म को लेकर एक मतलब ये कॉमन इंटरव्यू खत्म हो गया, इस फिल्म को लेकर एक कंट्रोवर्सी हुई है वो अब उसके बारे में क्या बताएं, जो हो गया सो हो गया है। मैं यही कहना चाहूँगा कि मीका सिंह सेव द डे, ही इज अगर जो पाजियों का पाजी है वो है मीका पाजी, आई थिंक ही अगर मतलब यस वन ऑफ द रीजंस वो हुआ है डिले का, बट आई वुड जस्ट से दैट अगर एंड मोमेंट पे मीका पाजी नहीं आते और वो गाना नहीं गाते तो कसम से ये शायद इतनी बड़े पैमाने पे रिलीज़ ना हो पाती और इतना रिकग्निशन ना मिलता इस फिल्म को, बिकॉज दैट पार्टी नंबर मनमोहिनी जो है मीका जी की आवाज़ में मतलब माइंड ब्लोइंग लग रहा है, और रियली ही हाउ डू आई से दैट नॉट ओनली सेव द डे, मतलब जो कहते हैं ना एक लेजेंड बनने की जो वो है वो मीका सिंह में है, सीरियसली वो वैसे नहीं है कि आए और चले गए, एनीवे वो पिछले 20 साल से इस इंडस्ट्री में, और मैं कहता हूँ जिस तरह उनका रिलेशन है वन ऑन वन इंडस्ट्री के बंदों के साथ, नॉर्मल कॉमन मैन के साथ, ही इज़ हेयर टू स्टे फॉर एवर एंड ही इज मतलब हैट्स ऑफ टू दैट मैन, रियली हैट्स ऑफ टू दैट, ही इज़ अ ट्रू रॉक स्टार, अ ट्रू लेजेंड फॉर बींग सो स्पॉटिंग, मतलब किसी को अगर बचाना हो ना दलदल से मीका पाजी को फ़ोन करो। There is a professional way we work in the industry, China, singers or yeah, actors or if we commit to something, we say we're going to do it, we should do it. And to back out, I know, that, you know, maybe I shouldn't give my opinion, but you've seen me from Big Boss, I like to say it's on my mind. To back out last minute without a reason, to just send an SMS, to me that's not professional. That's maybe. I know, but अभी गुरु की बात ना करें तो बेहतर है, because we don't want to talk about him. One last thing I would like to say to all artists, everybody, honestly, just my advice because I've been in this industry for a while. You have to be careful who you hurt on the way up, because you have to face the same people on the way down. That's the end of that. चलिए, I think cake भी आ चुका है. Yeah. Yes. Celebration. Too late. Too late. Guys. नहीं स्पीच तो नहीं, स्पीच तो नहीं, बट ये आप मैं चीज़ कहना चाहूँगा कि प्रिया बैनर्जी बहुत अच्छा गाती है और ये चाहती है कि वो हमें तुमसे प्यार करना पापा के लिए गाए जिसकी बर्थडे है। No, no, you have to sing, yeah, it's his birthday today, you have to sing, you sing, हमें तुमसे प्यार करना है। We hope you start, then we sing. बहुत, yeah. बहुत, बहुत प्यारी, बहुत उम्दा आवाज़ है, आगे आवाज़ जिसकी सुने, आप सबको साथ में गाना पड़ेगा। आगे जिसकी आवाज़ आप, नहीं क्या गाना नहीं आपको कुछ स्पीच भी है नहीं नहीं मजाक कर रहे हैं कोई स्पीच नहीं है बट 5th जुलाई को रिलीज हो रही है प्लीज फिल्म जाके देख लेना सब दैट्स अबाउट इट गाना भी गाने वाली है तो सब साथ में गाने वाले हैं आप लोग भी जॉइन कीजिए इट्स लाइव सब आप साथ में गाएंगे ना अरे आपका आवाज बहुत अच्छा है मुझे मालूम है नहीं आपकी अच्छी है आई नो यू सैंग टू मी वंस आई रिमेंबर दैट यू सैंग टू मी आप आपसे गाते हो चलो आप शुरू कीजिए ना चलो साथ में गाते हैं चलो हाँ तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना हमें तुमसे प्यार कितना तुम्हें कोई और देखो इतना अच्छा गाया है रियली